हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूएएन नंबर कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि यूएएन नंबर होता क्या है। यूएएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करते हैं या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो ईपीएफओ के अंडर आता है, तो आपका पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है और आपके पीएफ के साथ एक यूएएन नंबर दिया जाता है। अगर आप अपनी कंपनी चेंज करते हैं और दूसरी कंपनी में जॉब करने लगते हैं तो आपका पीएफ नंबर चेंज हो जाता है और आपका यूएएन नंबर वही रहता है। आपका यूएएन नंबर नहीं चेंज होता है। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इसलिए जब तक आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर जब तक आप अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट नहीं कर लेते तब तक आप अपना बैलेंस नहीं चेक कर पाएंगे और ना ही अपना बैंक के पासबुक देख पाएंगे और ना ही ये चेक कर पाएंगे कि आपका पीएफ कितना कटा है। इसलिए यूएएन नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि अपने मोबाइल से यूएएन नंबर कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए डेस्कटॉप साइट खुल गया और यहाँ पर आपको टाइप करना है UAN login। तो इस प्रकार इस पर क्लिक करके जो सबसे फर्स्ट पेज जो आएगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे यहाँ पर दे रहा है UAN और यहाँ पे पासवर्ड दे रहा है डालने के लिए और एक कैप्चा दे रहा है फिल करने के लिए और यहाँ से साइन इन करने के लिए दे रहा है। तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा UAN नंबर क्या है और हमने इसको एक्टिवेट ही नहीं किया है तो कैसे इसमें साइन इन करेंगे। तो चलिए, अगर आपको अपना UAN नंबर नहीं पता है तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा है नो योर UAN, तो इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए उस नंबर को हम यहाँ पर डाल के देखते हैं और यहाँ पर इस कैप्चा को फिल कर देंगे। जैसे इस कैप्चा में लिखा है वैसे हमको टाइप करना है और आपको रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वही OTP आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना OTP डालते हैं और यहाँ से इस कैप्चा को फिल कर लेंगे। और वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देंगे तो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ से ओके कर देंगे। OTP डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दे रहा है आपका नेम डालने के लिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आधार कार्ड और यहाँ से आप इस कैप्चा को फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना नेम लिख देते हैं। अपना पूरा डिटेल डालने के बाद यहाँ से इस कैप्चा को फिल कर लेना है और शो माई UAN नंबर पर क्लिक करना है। तो आपके सामने देखिए आपका UAN नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपना UAN नंबर को देख लेंगे कि मेरा UAN नंबर क्या है और अपना UAN नंबर को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे होम पे आना है। होम पे आने के बाद आपको यहाँ से और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है एक्टिवेट UAN, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे UAN नंबर जो आपने यहाँ पे कॉपी किया है अपना UAN नंबर उसी को यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए हमने अपना UAN नंबर डाल दिया
और यहाँ पे दे रहा है आधार कार्ड डालने के लिए, यहाँ पे मेंबर आईडी डालने के लिए दे रहा है। तो चलिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ से इस कैप्चा को फिल कर लेंगे। जैसे यह कैप्चा लिखा है वैसे ही हमको यहाँ पे टाइप करना है और गेट ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, यहाँ से इस टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे और ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड एक्टिवेट यूएन नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है योर यूएन नंबर इज एक्टिवेटेड, द वन टाइम पासवर्ड सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी हमारे मोबाइल नंबर पर यूएन नंबर और उसका पासवर्ड सेंड कर दिया गया है। तो देखिए आपके मोबाइल नंबर पर आपका यूएन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। देखिए यह पासवर्ड बहुत ही स्ट्रांग है और थोड़ा डिफिकल्ट है, तो चलिए हम इस पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं। गो टू होम पर क्लिक करेंगे, आपको वही वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दे रहा है यूएएन नंबर डालने के लिए, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर देखिए कैप्चा दे रहा है डालने के लिए। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो यूएएन नंबर और पासवर्ड सेंड किया गया था उसको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम अपना यूएएन नंबर डाल देते हैं और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देते हैं। यहाँ पर यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर देखिए साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से देखिए आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। जो आपके पास पासवर्ड भेजा गया था वह बहुत स्ट्रांग पासवर्ड था और बहुत डिफ़िकल्ट पासवर्ड था। तो जब भी आप ईपीएफओ के साइट पर आएंगे तो ऐसे लॉगिन करने के लिए देगा तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा उसमें बार बार अपना वही वाला पासवर्ड डालना। चलिए हम इस पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं। हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए दे रहा है चेंज पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दे रहा है ओल्ड पासवर्ड डालने के लिए और न्यू पासवर्ड, और फिर से यहाँ पर कंफर्म वही न्यू पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। तो चलिए हम अपना ओल्ड पासवर्ड डालते हैं। तो यहाँ पर हम अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल देंगे और उस पासवर्ड को यहाँ पर फिर से कंफर्म कर देंगे और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। सो इस प्रकार आप भी अपना यूएन नंबर अगर नहीं जानते हैं तो अपना यूएन नंबर देख सकते हैं और आप अपना यूएन नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।